मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों और सैनिकों के साथ खिलवाड़ किया है, धोखा दिया है, जुमलेबाजी की है। उन्होंने 2014 में उनके वोट लेकर सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद उनको वन रैंक वन पेंशन, जिसका वायदा किया था कि 100 दिन के अंदर हम उसको पूरा करेंगे, उसको आज तक 8 साल 10 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी ये पूरा नहीं किया है। तो इसके लिए हम मोदी सरकार को पूरे कटघरे के अंदर खड़ा करते हैं। उसके अलावा उन्होंने रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट को भी जाहिर नहीं किया, और सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आई है उसके अंदर भी उसको बताया नहीं गया है। तो ये एक हम इसको धोखा मानते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साथ, जो मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा जो वन रैंक वन पेंशन का जो नंबर 2 इक्वलाइजेशन करनी थी ORP 2, उसके अंदर उन्होंने इतनी लार्ज स्केल के ऊपर विसंगतियाँ डाल दी हैं, जिससे हमारे JCOs की पेंशन कम हो गई है, और उसकी वजह से हमारे जो फैब्रिक है फौज का, जो ताना बाना है, सौहार्द है, उसके ऊपर नुकसान हो रहा है, जिससे हमारे देश की एकता अखंडता के ऊपर भी नुकसान हो सकता है। इसको दुरुस्त करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल विजिलेंस ने और डिसिप्लिन एंड विजिलेंस ने इसके ऊपर एडवाइजरी भी जारी की है, लेटर भी किया है, ताकि ये इस तरह की चीज़ जो है इमीडिएटली अरेस्ट की जा सके। इसके अलावा अग्निवीर जो बना रहे हैं वो देश के लिए अग्निपथ स्कीम पूरी तरह से बहुत ही घातक सिद्ध होगी। हम चाहते हैं कि अग्निपथ स्कीम को इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से इसको वापस किया जाए, क्योंकि ये देश की एकता अखंडता के खिलाफ है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे और मुद्दे हैं, विडोज़ की पेंशन को एनहेंस किया जाए। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो रिजर्विस्ट है उनकी पेंशन को एनहेंस किया जाए, पे पैरिटी दोबारा से लाई जाए, जो डाउनग्रेडेशन हमारे JCOs को ग्रेड 3 के अंदर उन्होंने जो डाल दिया गया है वो भी बहुत गलत चीज़ है, जिससे हमारी डाउनग्रेडेशन हुई है, और उससे आगे आने वाले समय के अंदर उनकी पे और पेंशन दोनों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। मैं मोदी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने इन सब चीज़ों को, विसंगतियों को दूर नहीं किया, तो पूर्व सैनिक और सैनिकों के 1 करोड़ परिवार उनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे 2024 के इलेक्शंस के अंदर। नमस्कार सभी पूर्व सैनिकों का, मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। आप सभी ने देखा वीडियो क्लिप, किस प्रकार से जो है पूर्व सैनिकों के हक में जो है इन्होंने आवाज उठाई है पूर्व सैनिक ने। और दोस्तों इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि 23 जुलाई को बहुत बड़े स्तर पर जंतर मंतर पर रैली है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ भी पहुँचे। और आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से 2024 के इलेक्शंस का दबाव सरकार पर है, उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलने वाला है पूर्व सैनिकों को, क्योंकि जब वोट बटोरने का समय आता है तो यहाँ पर नेताओं को भी समय मिल जाता है पूर्व सैनिकों से मिलने, बातचीत करने का। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर अभी हम सभी एकजुट नहीं हो पाए तो हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथी पेंशन धारकों को, और अपनी एकता का प्रदर्शन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचकर करें, ताकि हमारी जो मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। तो दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रही थी, आगे जो भी ऑफिशियली अपडेट रहेगी हम आप सभी पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स के साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए सभी पेंशनर्स को जय हिंद जय भारत।